पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की लाहौर में हमजा शहबाज से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब में बड़ी ताकत नून लीग है। अपोजिशन लीडर का साथ फतह के लिए जरूरी है। कल अकेला घोड़ा रेस में भागा और शोर मचाया कि वो कामयाब हो गया। लगता है ऐवान में 178 अरकान मौजूद नहीं थे। हमजा शहबाज बोले गालम गलोच मुल्की सियासत के लिए अच्छी नहीं। पीटीएम के प्लेटफॉर्म से अहम फैसले करेंगे। अपोजिशन हार पर एहतजाज करती है, जीत पर बयानियां तब्दील कर लेती है। कल अपोजिशन रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए जवारी जैसी थी। पैसों के जरिए सियासत में आने वालों ने मुल्की मईशत तबाह की। धौंस और धांधली की सियासत करने वालों को शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तला'आत शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सादिक सिंजरानी के सेनेट में हिमायत के लिए राबते। परवेज खटक के हमराह चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं अमीर हैदर खान होती, मियां इफ्तिखार हुसैन और एमल बली खान से मुलाकात। अमीर हैदर होती बोले एएनपी पीडीएम का हिस्सा है, हिमायत के हवाले से पार्टी में मशावरत करेंगे। सेनेट इलेक्शन में 8 करोड़ रुपए की पेशकश का दावा। इलेक्शन कमीशन का एमपी अब्दुल सलाम आफीदी से राबता। तमाम सबूत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश करने का हुक्म। अब्दुल सलाम का कहना है कि उनके पास व्हाट्सएप गुफ्तगु और ऑडियो पैगाम मौजूद हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। फैसल वाजा की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार लाने का फैसला। NA 249 कराची का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलब। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से शहबाज शरीफ फैसल वाजा से हार गए थे। महंगाई की अलकार, गरीबों के लिए दो वक्त की रोटी खाना दुश्वार। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। कराची में ब्रायलर गोश्त 480 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 365 रुपए फी किलो। इस्लामाबाद में 420 रुपए फी किलो में फरोख। फार्मी अंडे भी महंगे, 158 रुपए फी दर्जन मिलने लगे। सब्जियों और फलों की भी महंगे दामों फरोख्त। भिंडी 165, लहसुन 210, करेले 207, अरबी 104, सब्ज मिर्च 109 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 135, केला 100, स्ट्रॉबेरी 165, अमरूद 83 रुपए फी किलो में बिकने लगे। कराची में बिजली का बहरान, छुट्टी के दिन शहरीकाद में बिजली की भी छुट्टी। लियाकतबाद, सीवन एरिया, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, डीएचए फेज 8 और दीगर इलाकों में सुबह से बिजली बंद। आवाम को परेशानी का सामना। पेशावर में कोरोना केसेस बढ़ने पर कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में नकलो हरकत महदूद। मेडिकल स्टोर, अशिया खुरानोश की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। मसाजिद में 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत।